All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay, सबसे पहले हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू था कि देखो आज हम अब कोई भी व्यू रख नहीं रहे कुछ दिनों से, बिकॉज इंट्राडे में इतने अच्छे मूव्स आ रहे तो व्यू रख के कुछ फायदा नहीं है. जो लेवल्स के पास मार्केट आती है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड क्विकली टुडे. ओके, अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल एक पैटर्न बन गया. फर्स्ट कैंडल पे दोनों साइड का एसएल हिट होने का. ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे पहले पुट बायस का जो फर्स्ट एक पुट बायस है उनका एसएल हिट हुआ, फिर कॉल बायस का एसएल हिट हुआ. एंड अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी. सबको लगा कि 19,720 तक आएगी, हमको भी लगा था कि यहाँ तक आएगी बिकॉज एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी. बट नेक्स्ट कैंडल ही प्रीवियस डे लोज मतलब फ्राइडे डे लोज को ब्रेक किया और काफ़ी बड़ी बन गई. ओके, एंड देन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लोअर लो लोअर हाइस बन रहे थे, ऐसे लग रही थी कि मार्केट और नीचे जाएगी. बट अगेन यहाँ से एक सडनली बिग कैंडल, बिग बाइंग अगेन एंड अगेन मार्केट्स में सबका एसलेट करके बहुत अच्छा अपमूव आया एंड वो अपमूव पूरा चला भी गया बाद में. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट? राइट नाउ देखो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू अर्न मनी. ठीक है, बट कौन कमा रहे फिलहाल के लिए मार्केट में? वही कमा रहे जो स्टॉप लॉसेस नहीं रख रहे सिस्टम में. ठीक है, और जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग What they are doing is they know that volatility is present in the market. जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी volatility रहती है मार्केट में, ठीक है, अगर आपको उसको टैकल करना है there is one simple solution, reduce your quantity. अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो एवरी डे 5 लॉट से ट्रेड करो बट अपना एस एल बड़ा करो. ठीक है, that is why you know what can happen when you do that is जो भी ये अप स्पाइक्स आते हैं मतलब बहुत सारे विप्सॉज आ रहे हैं. अभी जो विप्सॉज है वो काफ़ी डीप हो रहे हैं. देखो अगर आप देखोगे एग्जैक्ट रिजेक्शन अभी नहीं ले रहा है मार्केट. जो मैंने आई थिंक एक हफ्ते पहले बोला था कि देखो अभी लेवल्स वर्क करेंगे. ओके, बट वो लेवल्स के पास बहुत हाई लेवल स्पाइक्स आएंगे. ठीक है, तो ये जो आप स्पाइक्स दिख रहे हो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो. ओके, सो देर इज़ टू मेथड्स. एक तो अपना क्वांटिटी कम करो और एस एल बड़ा रखो. सेकेंड इज आप एवरेज कर सकते हो. ठीक है, बट अगेन फर्स्ट क्वांटिटी अगर आप समझो 100 लॉट से ट्रेड करते हो, ओके, देन आप क्या करोगे? आप पहले 25 लॉट लोगे. ओके, एंड देन 25 लॉट्स में भी अगर एस एल हंटिंग स्पाइक आए उस पर आप ऐड कर सकते हो. देन आप अपना ओरिजिनल एस एल रख के फिर वो ट्रेड ले सकते हो. दिस आर दी ओनली टू मेथड्स बाई विच यू कैन नॉट बी विक्टिम ऑफ दिस वोलेटिलिटी. ठीक है, सो इन निफ्टी वंस अगेन अ साइडवेज डे, वोलेटाइल बट साइडवेज डे, गुड रिजेक्शन फ्रॉम आवर लेवल्स अगेन. ओके, एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे नो डाउट अगेन एक अच्छा ब्रेकडाउन आया. यहाँ पे कंसोलिडेशन अगेन अ गुड ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल. अगेन यहाँ से रिजेक्शन जो 44,966 लेवल था ओपन इज इक्वल टू वाई कैंडल. वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत प्राइस ने टाइम स्पेंड किया था एंड यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन भी आया एंड अगेन प्राइस यहाँ टुक सपोर्ट ओवर ईयर 44,600 एंड अगेन मूव्ड अप. ओके, फिन निफ्टी अगेन यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट. ठीक है, कंसोलिडेशन देन अ गुड अप मूव. फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा इफ़ यू कैन सी थोड़ा अभी वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट्स अभी थोड़े सिंक में नहीं है. ठीक है, एक्चुअली तीनों इंडाइसिस के चार्ट सिंक में नहीं है अभी. ओके, द रीज़न बीइंग इज देखो अभी एवरी डे एक्सपायरी है तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आई थिंक अलग अलग इंडाइसिस में अपने पोजिशन बनाते हैं. इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो हम लोग वी स्टिक टू निफ्टी एंड फिन निफ्टी मोस्टली बिकॉज हमको उनकी वोलेटिलिटी जमती है. बैंक निफ्टी इज स्टिल अ वाइल्ड कैट फॉर अस. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद वेरी हाई क्वांटिटी एंड बैंक निफ्टी हमारे लिए सेंस नहीं बनता. वी ओकेजनली ट्रेड बैंक निफ्टी ऑन एक्सपायरी डेज ओनली. ओके, बट निफ्टी एंड फिन निफ्टी इज आर यू कैन से स्वीट हार्ट्स. वी ट्राई टू ट्रेड एवरी डे निफ्टी एंड फिन निफ्टी. ओके, वो अलग बात है कि हमारे बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे बिकॉज वी आर स्टिल गेटिंग आर स्टॉप लॉसेज हिट. ओके, ऑल्दो वी जस्ट लॉस्ट 10 पॉइंट्स टुडे बिकॉज एक हमने ट्रेड लिया निफ्टी पुट में उसमें कुछ 10 पॉइंट्स के जल्दी हम लोग निफ्टी कॉल ट्रेड लिया मॉर्निंग में ये एक अच्छा बुलिश कैंडल देख के बट वो चला नहीं. ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ही नीचे चले गए बट हम लोग ये नेक्स्ट कैंडल जब बनी ओपन इज इक्वल टू हम लोग तुरंत जल्दी निकल गए एंड 10 पॉइंट्स के एसएल से हम लोग उससे जल्दी निकल गए. ओके, एंड देन फिन निफ्टी का हमने एक ट्रेड लिया जो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया. ओके, सो वी आर नॉट रिवेंज ट्रेड नहीं कर रहे, वेट कर रहे कि व्हेन अ गुड सेट ऑफ फॉर्म्स देन ओनली विल टेक अ ट्रेड. ओके, तो ये हुई आज की बात, अ साइडवेज बट अ वॉलेटाइल डे. नाउ इट्स टुडे बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट छोटा मैं आपको बता देता हूँ कि वाई टुडे इज एन इंपॉर्टेंट डे एंड वाई वी सेड इन द मॉर्निंग मार्केट व्यू वीडियो दैट 19,600 लेवल इज द ट्रेंड चेंजिंग लेवल. एंड अगर आप देखोगे आज का लो क्या है 19,601. मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से पलटी है. वाई वी सेट 19,600 इज अ ट्रेंड डिसाइडिंग या ट्रेंड चेंजिंग लेवल. आज थोड़ा चर्चा करते थे. ठीक है, नाउ दिस आई एम गोइंग टू कवर इन डिटेल व्हेन आई स्टार्ट द प्राइस एक्शन सीरीज वीडियो. प्राइस एक्शन सीरीज वीडियो आई नो बहुत जन पूछ रहे हैं, थोड़ा डिले चल रहा है बिकॉज हमारा ही बुरा टाइम चल रहा है. तो लेट अस फर्स्ट रिकवर समथिंग सो दैट वी कैन मेक वीडियोज फॉर यू गाइज एज वेल. ठीक है, सो Let's look at why I said 19,600 is a very good important trend changing level. ठीक है, now this is something that we use. देखो markets जब भी ऊपर या नीचे जाती है, ठीक है, वो straight line में नहीं जाती, वो retrace कर करके ऊपर जाती है, चाहे वो uptrend हो या चाहे वो downtrend हो. ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जाती है और हमको समझो किसने रैली मिस कर दी है, तो वो क्या करता है, वो पुल बैक के लिए वेट करता है. ठीक है, सो ये रैली जिसने मिस की है, ठीक है, और इसका पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, ये यूज करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं. ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं डिटेल में जाऊंगा, बट जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ कि एक रिसेंट स्विंग लो लेते हैं हम लोग और एक स्विंग हाई लेते हैं, उसको लोएस्ट पॉइंट हाइएस्ट पॉइंट जोड़ते हैं, सिंस ट्रेंड बुलिश है क्योंकि अप मूव आया है. तो यहाँ से अगर हमको लोअर हायर लो ढूंढना है, ठीक है, सिंस ये एक अच्छा अप मूव आया और ये अप मूव का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है अगर ये ढूंढना है, दैट्स व्हेन वी यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ओके, सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमको तीन लेवल्स इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं, वो है 38.2%, 50% और 61.8%. ओके, 61.8% माना जाता है कि ये एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल होता है. मतलब अगर समझो मार्केट यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से 61.8% पे रिट्रेस करके, मतलब यहाँ से यहाँ पुल बैक करके यहाँ से अगर पलट जाती है, देन यू कैन बी श्योर कि ये जो अप ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है और ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी गई, ओके, बट उसका जो रिट्रेसमेंट आया, ठीक है, अगर समझो ये कैंडल आज तो 19,600 के ऊपर बनी है, ओके, बट अगर ये कैंडल 19,600 के नीचे क्लोज होती, देन वी वुड हैव सेड दैट नहीं, अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि अब ये हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं है. मतलब यहाँ से मार्केट अब हायर हाइज हायर लोज नहीं बनाएगी, यहाँ से अब मार्केट लोअर लो लोअर हाइज भी बनाना चालू कर सकती है. ओके, दैट इज द रीजन वी सेड दैट यू नो 90,600 इज अ ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल. ओके, नाउ अगर टुमारो के एनालिसिस देख एक शॉर्ट था, मैं डिटेल में जाऊँगा ये वीडियो में, ठीक है, बट फॉर यू गाइज वाई 19,600 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. देखो ये एक रेंज था जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था. ठीक है, तो टू थिंग्स, एक तो 19,600, ठीक है, एक अच्छा ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 61.8% लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट. दूसरा, एक रेंज ब्रेकआउट का रीटेस्ट है. तीसरा, ठीक है, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है, एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे. ठीक है, सो टुडेज कैंडल बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कल अगर हम समझो हम लोग डोजी हाई के ऊपर क्लोज देते, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट्स विल टर्न, यू कैन से बेयर बुलिश अगेन, यहाँ से फिर एक अच्छा अप मूव भी आ सकता है. बट अगर कल मार्केट्स डोजी लो के नीचे क्लोज करते, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट्स में अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, बट मार्केट्स नीचे नीचे जा सकते हैं. ओके, एक और एक सिनेरियो जहाँ पे मार्केट्स यू नो काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं. ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट्स टुमारो. ओके, ना थोड़ा मैंने फॉर्मेट चेंज किया है डेली मार्केट व्यू वीडियोस का, बिकॉज थोड़े फीडबैक्स आ रहे थे कि यू नो वीडियोस थोड़े लंबे हो रहे हैं, बिकॉज लेवल्स ड्रॉ करने में आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो ये मेरा होमवर्क है, मैं आपके साथ ही करता हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखूंगा, सो दैट यू नो इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइज टू गो थ्रू देम. ओके, सो व्हाट इज माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर टुमारो. निफ्टी में मेरा सपोर्ट रहेगा सेम जो 19,600 है, मतलब आज की जो डे लोज है 19,600 से लेकर 19,585, दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट यू कैन से सपोर्ट, एंड मेरा रेजिस्टेंस रहेगा 19,720 ऑड लेवल्स. ओके, एंड व्हाट इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगेन द सिनेरियो रिमेन्स द सेम, माई सपोर्ट वुड बी 44,600. ओके, माई रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 44,966. ओके, फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है, फिन निफ्टी इज क्रिस्टल क्लियर. अगर आप देखोगे 19,920 is my resistance, 19,785 is my support. Okay, so tomorrow what view should you have? देखो tomorrow अगर again मैं बोल रहा हूँ कि देखो कुछ view रखो मत, because इंट्राडे में इतने अच्छे moves आ रहे, तो levels के हिसाब से हम लोग trade करते हैं. Okay, हम लोग decide करते हैं अगर कल डोजी हाई के मतलब आज के डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, देन वी नो दैट यू नो वी हैव टू बी बुलिश, बट आज के डे लोज के नीचे क्लोजिंग मिलती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम बेयरिशनेस इन द मार्केट. ओके, ठीक है. So that is it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.